पशुपति पालक की नाराजगी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए मैं बता दूं कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास करती है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन देखिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे को लेकर के जिस तरीका से आरोप लगा रहे हैं और लड़ने की बात कर रहे हैं, अब उसको लेकर के एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस तरह का आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। वहीं बात करें जिस तरीका से पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से, तो वो क्या कुछ कह रहे पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर के, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार, विभाग का बंटवारा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है और उसके संदर्भ में वो समय पर निर्णय ले रहे हैं। विभाग भी मिलेगा समय पर ही और पूरी तरह से बिहार के विकास और गति को बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है। पार्टी की बैठक है, चुनाव के दृष्टिकोण से भी अब चुनावी माहौल आ रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार बैठक होते रहती है। सारे प्रमुख लोगों का संगठनात्मक बैठक हो या विधायक का बैठक हो, ये बैठक चलते रहती है। इनका जो है पशुपति पारस की नाराजगी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए मैं बता दूं कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास करती है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में काम करने में लोगों को गर्व महसूस होता है और पूरे देश गौरवान्वित महसूस करता है और ये सौभाग्य का विषय है कि इस नेतृत्व के साथ चलने वाले को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। कह तो दिए कि एनडीए गठबंधन में सभी लोग मिलके चलेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद को बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, सामाजिक समरसता को बढ़ाना है। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए किसी की कोई नाराजगी नहीं है, पशुपति पारस हो या चिराग पासवान, सभी जो है एनडीए के साथ मिलकर के चलेंगे और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है, सभी की नाराजगी को दूर किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पशुपति पारस नाराज नहीं है, वो सामाजिक समरसता को देखते हुए एनडीए का साथ देंगे और आगे भी साथ देते रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।